पहला पेशेंट एक था जिसके घुटने में दर्द और सूजन थी और उसको अजमोजादी चूर्ण से स्टार्ट किया, पाचन दिया, सिंगना गुल दिया, आनासनादी काढ़ा दिया, परंतु कोई लाभ ना हुआ। बाद में मैंने उसको पूछा कि भाई एक डेढ़ महीने के बाद ड्रग जो है वो वैसी की वैसी ही स्थिति वैसी की वैसी ही थी। मैंने कहा जब अच्छी तरह से केस टेकिंग करी तो मालूम पड़ा कि वो तंबाकू काफी खाता है और उसको फीवर भी जो है वो आता रहता है। तो ये मान के चले कि उसने जो तंबाकू खाया था उसके कारण जो टॉक्सिन एक्यूमुलेट हुए जिससे उसको फीवर आ रहा था। तो उसके बाद मैंने ना उसको स्वर्णमाक्षिक भस्म और बिलवादी गुटिका दी और पेशेंट रिस्पॉन्ड्स अमेजिंगली। अर्टिक्रिया का एक पेशेंट था जो रेगुलर ट्रीटमेंट सब देते हैं, इवन दो कि कुछ थोड़ा सा हटकर मामा गोखले जो ट्रीटमेंट दिया करते थे कि त्रिभंग भस्म लोग नहीं देते हैं, यूजुअली शुक्र धातु में देते हैं, लेकिन त्रिभंग भस्म जो है, भंग भस्म जो है वो बहुत अच्छी कृमि नाशक भी है। तो भंग भस्म आरोग्य वर्धनी वटी काम दुधा सूत शेखर कल्प दिया शीत पित्त भंजन रस महामंजिष्ठादि काढ़ा आर्गोदादि कषाय सब कुछ दिया, बट नथिंग हैपेंड्स, पेशेंट नॉट गेट रिलीफ एट ऑल। उसके बाद पुनः डायग्नोसिस को चेंज पूछा तो मालूम पड़ा कि यार ये आदमी जो है वो, क्योंकि हरियाणा के लोग क्या करते हैं कि वो दूध दही वगैरह लेने के बाद जो है वो दूध लेते हैं, तो विरुद्ध जन्य आहार दूषी विष विकृति को मानकर प्रिस्क्रिप्शन उसको चंपक अगर दिया गया और पेशेंट ने पुनः बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया विद इन 7 days। पेशेंट 3 जो था उसके बाल झड़ रहे थे और यूजुअली खालित्य में हम ये मानते हैं कि भाई आप मतलब हर तरह से ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं कि भाई आप 80 पोषण दे सकते हैं, रसरक्त प्रसादन कर सकते हैं, क्रिमिंग दे सकते हैं, पित्त शमन दे सकते हैं और केश दे सकते हैं। तो जो दूध पापेश्वर की अस्थि पोषक टैबलेट है और ब्रंगराज आसव है, आम्ल की रसायन है और नीली ब्रंगराज आम्ल की आदि तेलम और दत्तूर पत्र आदि तेलम ऐसा करके सब कुछ दिया परंतु कुछ नहीं हुआ। बाद में देखा तो उसने कहा कि मुझे है ना स्टूल जो है वो बहुत लूज आता है और भूख भी जो है वो ठीक नहीं लगती है, डकार हराता है, पेट फूल जाता है। पुरेश्वर श्रोत दृष्टि मानकर आमते सारकल्प पाचन मुस्ता और देवदार दिया गया, रिजल्ट फिर मिल गया। तो मैं आपको ये दोनों बात बता रहा हूँ अब तक जो मैंने 3 केस आपसे डिस्कस किए कि यूजुअली हम जो केस टेकिंग करते हैं जो सब देते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम कहाँ फेल होते हैं और कहाँ अपने आप को सही करना होता है। चौथा केस जो था कैंसर या जिसको आप अर्बुद कहते हैं, अब मुझे मालूम नहीं कि इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिया है कि कैंसर को अर्बुद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी पेशेंट बहुत गरीब था, फिर भी हमने उसको कांचनार अर्बुदारी रस और रुद्र रस स्टार्ट किया तो वो कुछ नहीं
ले सकता था, तो अपने पैसे से दिया, पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद उसको मैंने जो है उसको रसायनी और जीवनी और धातु प्रसाधक जो है वो देना शुरू किया, और पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया। इन सब केसेस को डिस्कस करने का मेरा एक उद्देश्य ये था कि यूजुअली लोग जो हैं वो उतना ही यूज करते हैं जितना वो जानते थे, और वो प्रैक्टिस में या फर्स्ट ईयर में जितना जानते थे वो उतना ही उसको कैरी करते हैं। यानी कि 10 साल की प्रैक्टिस में यदि आप अभी भी 4-5 ड्रग लिखते हैं, 10 ड्रग लिखते हैं, 60 ड्रग लिखते हैं, और लक्षण के आधार पर ड्रग लिखते हैं, तो आप आयुर्वेद को समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है कि वो ऐसे वैद्य जो हैं वो रोग अभिसार वैद्य ज्यादा होते हैं। इनमें से 3 केस जो थे उसमें विष एवं कला विचार धातु दुष्टि देखी। गंभीर रूप से विष जो था वो कला में जमा हुआ हुआ था, जिसने दोषों का विशेषण किया। एक केस जो था वो शारीरिक कला से जुड़ा हुआ है, जैसे पुरीष धरा कला जो है उसको अस्थि धरा कला जो कहा जाता है, और पित्त धरा कला जो है वो उसको मज्जा धरा कला कहा जाता है। तो यूजुअली यदि हम लगातार पढ़ते रहें तो हमारा विजन चेंज हो सकता है। अदरवाइज क्या रहेगा कि 10 साल बाद भी वो ही रहेगा। योगराज मतलब घुटने का दर्द है तो योगराज गुग्गुल देना है, और आगे पीछे समझ में नहीं आएगा। और अगर उसने पेशेंट ने उसके बाद भी कहा तो हो सकता है कि योगराज की जगह महा योगराज कर दें, स्वर्ण योगराज कर दें, और फिर हाथ खड़े कर दें। ये करने के बाद मैंने एक लेख पढ़ा के डेनियल का, डेफिनेशन ऑफ लाइफ। ये लेख जो था वो मार्च 2018 में छपा था, और के डेनियल ने ये लिखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। आई रिमेंबर ए कॉन्फ्रेंस ऑफ द साइंटिफिक इलाइट दैट सॉट टू आंसर दैट क्वेश्चन। इज एन एंजाइम अलाइव? इज ए वायरस अलाइव? इज ए सेल अलाइव? आफ्टर मैनी आवर्स ऑफ लॉन्चिंग प्रॉमिसिंग बैलून्स दैट डिफाइंड लाइफ इन ए सेंटेंस फॉलोड बाई इक्वली कंक्लूसिव पंक्चर्स ऑफ दीज बैलून्स ए सॉल्यूशन सीम्ड एट हैंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस दैट इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। यानी कि के डेनियल कहते हैं कि उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया जहां पर डेफिनेशन ऑफ लाइफ के ऊपर था, और काफी सोच विचार करने के पश्चात उन्होंने ये देखा और सबने ये कहा कि जो रिप्रोड्यूस कर सके, जो पुनः उत्पादन की क्षमता रखता हो वो जीवित है। परंतु फिर एक छोटी सी आवाज आई कि देन वन रैबिट इज डेड, टू रैबिट्स ए मेल एंड फीमेल आर अलाइव बट आइदर वन इज डेड। तो वहां से जब वो एक नटशेल पर पहुंच रहे थे कि भाई आप ऐसा कह दो कि भाई जो रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता हो उसी को हम लाइफ मानेंगे, तो उसने कहा कि एक रैबिट जो है वो डेड माना जाएगा, क्योंकि मेल रैबिट और फीमेल रैबिट जब ये दोनों हैं तो ही मिलकर वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर उनमें से कोई एक है तो प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, सो वन रैबिट इज डेड। तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये अब ये जो बात है वो तो गलत हो गई। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए। तो उन्होंने के डेनियल ने उसके पास 7 पिलर्स ऑफ लाइफ, जिसको पाइसेरास कहते हैं, टेम्पल ऑफ पाइसेरा, तो उन्होंने बताया कि जो पहला पिलर है लाइफ का दैट इज प्रोग्राम।
प्रोग्राम में भी उसने उन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होना चाहिए, होना चाहिए, और हम सबके पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए। और वो डीएनए जो है वो आप चाहे नहीं चाहे, बट उसके पास एक प्रोग्राम है और वो डीएनए जो है वो डेवलप करेगा। नंबर टू पर जो है वो इम्प्रोविजेशन वर्ड आया, जिसका मतलब होता है आशुरचना, मतलब अगर कुछ चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में तो क्या हम उसको उसके अनुसार चेंज करेंगे। तीसरा जो पिलर था दैट इज कंपार्टमेंट, फोर्थ इज एनर्जी, सिक्स्थ इज रीजनरेशन, सेवन्थ इज एडेप्टेबिलिटी एंड सेवन्थ इज सेक्युलेशन। मैं इस पूरे पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ दो चीजें जो के डेनियल ने बताई कि कंपार्टमेंट एंड सेक्युलेशन इज द पिलर्स ऑफ लाइफ। कंपार्टमेंट जो है हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन है, शीथ है और सेप्टम है, और सेक्युलेशन जो है देयर आर सेवरल फंक्शनल बैरियर्स इन अवर बॉडी। आप ये एक चित्र देख रहे हैं जिसमें विराट और सचिन हैं। एज यू सी ये दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं, पर विराट इज वेरी एग्रेसिव एंड सचिन इज वेरी काम एंड कूल। बोथ आर प्लेइंग क्रिकेट, बोथ आर प्लेइंग फॉर इंडिया एंड बोथ आर डूइंग सेम वर्क दैट दे आर प्लेइंग फॉर क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट फॉर इंडिया। अगेन आप एक उदाहरण और देखेंगे, सीरीज आप विराट का एग्रेशन देखिए और आप गांगुली भी ही इज आल्सो वेरी एग्रेसिव एंड इफ यू सी सचिन एंड धोनी दे आर वेरी कूल एंड कॉम। तो एक आदमी में कई प्रकार के भाव होते हैं, वन मॉडर्न स्ट्रक्चर जिसे आप लिवर कहते हो, मैनी आयुर्वेदिक शरीर भाव। हम लिवर को कोष्ठांग भी कहते हैं, रंजक पित्त भी कहते हैं, पाचक पित्त भी कहते हैं एंड दैट इज आल्सो रक्तवा स्रोत मूल रक्तवाहनाम स्त्रोत्साम यकृन मूलन प्लीह। यानी कि अगर आप जिसको मॉडर्न एक स्ट्रक्चर मान रहा है, हम उसको कई चीजों का स्थान मान रहे हैं, उसको कई भाव के रूप में देख रहे हैं, हम उसको कोष्ठांग कह रहे हैं, हम उसको स्रोत मूल कह रहे हैं, हम उसको रंजक पित्त का स्थान कह रहे हैं, even though we are saying that this is the seat of pachak pitta. Many modern terms, fascia, aponeurosis, deep fascia, epithelium, endothelium, internal and external linings. There are so many terms. Shukradhara kala ke liye wo mujhe nahi malum kya kehte hain, isliye maine usko aisa kar diya hai. There are so many terms in modern allopathy. And one Ayurvedic term that is Kala. Kala का जो अधिकरण है वो सुषुत, क्योंकि हम कहते हैं कि शारीरिक सुषुतो श्रेष्ठ। शरीर जो है वो सुषुत का श्रेष्ठ है। तो सुषुत ने गर्भ व्याकरण में, वृद्ध वाग्भट्ट ने अंग विभाग में, और चरक ने स्त्रोतस में हम ये मान सकते हैं कि वर्णन किया है। अधिकरण का मतलब क्या होता है कि जब आप बात करेंगे किसी विषय में तो किस विषय में, किस संदर्भ में आप बात करने वाले हैं। तो कला का जो अधिकरण है वो सुश्रुत ने गर्भ व्याकरण में, सुश्रुत ने अंग विभाग में और चरक ने स्त्रोतस में किया है। That is धातु, और हम ये कहते हैं कि धारणात धात्वा, जो धारण करता है that is धातु आशय, और जो आशय को धारण करता है
वह जो धातु को धारण करता है दैट इज आशय, ठीक है ना। तो धातु क्या है? धारणात धात्वा। और आशय क्या है? जो धातु को धारण करता है, यानी कि धातु के रहने का स्थान होता है, जिसको हम धात्वाशय कहते हैं। धातु का आशय यानी कि धातु के रहने का स्थान। दन कला, और धातु और आशय के बीच में जो मर्यादा है, जिसको आप कहते हो धातु आशय अंतर मर्यादा, दैट इज कॉल्ड कला। कि धातु और आशय के बीच में जो लिमिटेड मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड कला, जिसको हमने क्या कहा? धातु आशय अंतर मर्यादा। देखिए क्या इंपॉर्टेंस है उसका, कि ये जो कैसल बना हुआ है, इस कैसल को हिमाद्री ने कहा कि आशय माने क्या? जैसे जलाशय। तो जैसे आशय जो होता है में जल होता है, तो अगर यह समुद्र की लहर जो है वो थोड़ा सा भी आगे को पार करती है, तो इट डेफिनेटली इट डिस्ट्रॉयज दिस कैसल। तो कला जो है वो जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो यही कार्य करती है कि अगर इस लिमिट को आपने जरूरत से ज्यादा या किसी भी तरीके से क्रॉस कर लिया, इट डिस्ट्रॉयज द कैसल विच इज योअर बॉडी। कला खल्वपि सप्त भवन्ति, सात कलाएं हैं जो कि धातुओं की होती हैं। धातु आशय अंतर मर्यादा, धातु और आशय के बीच की जो लिमिटेशंस हैं दैट इज कॉल्ड कला। दधद इति धातु रसा रक्तमासादया तेषाम आशय अवस्थान प्रदेशा धात्वाशया, तेषाम अंतरेषु मर्यादा समाभूता इत्यर्थः, ऐसा डलहन कहते हैं कि रस रक्त मास में जो सात धातुएं हैं इनके रहने के स्थान हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? आशय। और उनको क्या कह दिया? धात्वाशय। और उनकी जो मर्यादा यानी कि जो उनको लिमिटेड कर रहा है एक दूसरे से, यानी कि रस को रक्त से अलग जो कर रहा है, रक्त को मांस से जो अलग कर रहा है, मांस को जो मेद से अलग कर रहा है, दैट इज कला। यथा ही सार काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते, तथा ही धातु मासेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। वो कहते हैं जैसे आप एक वृक्ष से लकड़ी को छीलते हैं तो आपको नेक्स्ट कवरिंग दिखाई देती है, उसी तरीके से यदि आप धातु को छीलते हो तो आपको कला दिखाई देती है। स्नायु भी प्रतिच्छन्न संततां च जरायुणा श्लेष्मणा वेष्टितां च अपि कला भागा तु तान विदा। अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं कि कला के हाउ टू कला फॉर्म, किस तरह से कला जो है वो बनती है। तो वो ये कह रहे हैं यहां पर तीन चीजें आपने याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज स्नायु प्रतिच्छन्न जरायुणु संतताम और श्लेष्मणा वेष्टिताम। कला के निर्माण में ये तीन चीजें भाग ले रही है। स्नायु प्रति छिन्न, स्नायु प्रति छिन्न का मतलब क्या है? सप्लाइड बाई स्नायु। जरायु संततम यानी कि बाथड इन स्नायु, सप्लाइड बाय स्नायु बाथड इन जरायु एंड इनकेज्ड बाय या इनकेज्ड इन श्लेष्मा वेष्टित, श्लेष्मा से घिरा हुआ, जरायु में डूबा हुआ और स्नायु से बना हुआ। तो स्नायु प्रतिछिन्न जरायु संतताम श्लेष्मणा वेष्टिताम। अब इस पर थोड़ा सा और गौर किया तो मालूम पड़ा कि जो स्नायु है दैट इज मीजोडर्म, और अगर उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं तो दैट इज एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। जरायु दैट इज एम्ब्रियोनिक
एक्टोडर्म एंड श्लेष्मा दैट इज एंडोडर्म, अंतः कला, बाह्य कला और मध्य कला। तो तीन अस्त्र हमको मिल गए। और वहां पर जब वो ये कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि कला जो है वो हो सकता है कि इन तीनों से मिलकर बने, या इनमें से किसी एक से बने, या इनमें से किसी दो से बने। जरूरी नहीं है कि आपको ये तीनों चाहिए हो। मीजोडर्म पित्त को प्रदर्शित करती है, एक्टोडर्म वात को प्रदर्शित करती है, और एंडोडर्म कफ को प्रदर्शित करती है। अगेन हमने यहां देख लिया कि जो आशय आएंगे उस पर्टिकुलर आशय में मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा, जो जैसे अगर मैं स्किन की बात करता हूं तो स्किन जो है या जो वात के जितने भी ऑर्गन हैं जिसको हम न्यूरो मस्कुलर जिसको हम नर्वाइन पार्ट कहते हैं, तो एक्टोडर्म से विकसित होता है। जितने भी विसरा होते हैं दैट डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म और यू कैन से कफ, ठीक है। तो पित्त वात कफ, उसके बाद अगर आप स्नायु को मीजोडर्म पित्त कहते हैं तो कला का ये कौन सा पार्ट होगा, फाइबर, फाइब्रस पार्ट। जो जरायु जिसको आप एक्टोडर्म कह रहे हैं या वात से को रिलेट कर रहे हैं दैट इज द सीरस पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड जिसको आप श्लेष्म वेष्टित कह रहे हैं या एंडोडर्म कह रहे हैं या कफ कह रहे हैं दैट इज द म्यूकस पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो कला इन शाखा एंड कला इन कोष्ठ, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि कला जो है वो शाखा में भी है और कोष्ठ में भी है। और क्या क्या काम करते हैं स्नायु, एग्जाम्पल सिग्निफाइज स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्नायु क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है जहां जरूरत है, जहां सपोर्ट की जरूरत है। जरायु एग्जाम्पल सिग्निफाइज बैरियर सिलेक्टिव परमिबिलिटी, यानी कि जो समान वायु का काम हमने कहा था कि जो समान वायु है वह मेम्ब्रेन के पास रहती है और जो पार करेगा, जो गति करेगा, उसको समान वायु जो है वो अंदर की ओर खींच लेगी या नहीं खींचेगी। पचती विवेचती, जो विवेचन का काम है दैट इज कॉल्ड परमिबिलिटी। और श्लेष्मा नॉट ओनली लुब्रिकेट बट प्रसादन। प्रसादन का मतलब क्या होता है कि हमने ये कहा था कि जो रचनात्मक परिवर्तन है तो साथ में मतलब वो ऑर्गन या जो धातु का आशय है वो टिका रहे, उसको हम कहते हैं प्रसादन। तो उपस्नेहन भी देती है, ऊजिंग। कला नॉट ओनली बैरियर बट इंटरफेस, यानी कि कला जो है वो एक बैरियर ही नहीं है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंटरफेस, यानी कि वो एक अवस्था है। इससे पहले यहां पर जो हमने बात की थी, यहां पर एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा आपको कि धातु और आशय। तो हिमाद्री कहते हैं कि जो कला का, अब कलाएं तो साथ हैं, तो कला कैसे उत्पन्न होगी, इस धातु के प्रसाद भाग से जो भाग बच जाएगा जिसको उन्होंने कहा कि यह क्लेद भाग होगा, उस धातु का जो क्लेद भाग होगा उससे इस क्लेश, इस कला का निर्माण होगा। तो अब हरेक धातु अलग है और उस धातु की ऊष्मा अलग है, और धातु ऊष्मा के क्लेद से वो कला उत्पन्न हो रही है, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि अगर रस धातु है तो रस धातु के जो एंजाइम्स होंगे वो अलग होंगे जो इस मेम्ब्रेन का निर्माण करेंगे। अगर शुक्र धातु है तो शुक्र धातु में या शुक्र धातु की ऊष्मा लगेगी, और यहां पर जो ऊष्मा होगी, जो जो एंजाइम्स होंगे दैट इज दैट शुड बी शुक्र धातु को रिप्रेजेंट करेंगे वो।
तो ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि रस से जब रक्त बनेगा तो रस से रक्त बनेगा तो जो धातु है वो तो लिमिटेड हो जाएगी किससे, आशय से। और जब वो आगे चलेगी तो जो भाग आएगा इसका, तेजो रसानाम सर्वेशा मनुजानाम यदुच्यते पित्तूष्मना सा रागिन रक्त तत्त्वम उच्यते, यानी कि जो रक्त बनेगा दैट इज रस से ही निकला। अब रक्त की जो ऊष्मा होगी, तो जो रस की ऊष्मा थी उसने तो धातु का निर्माण कर दिया, और रक्त धातु की जो ऊष्मा थी उससे रक्त धातु की कला का निर्माण हुआ, और फिर ये था रक्ताशय। ठीक है, अब यहीं पर जब मास आ जाएगा तो ये मासाशय हो जाएगा, और उस मास की ऊष्मा से मास धरा कला का निर्माण होगा, मास रक्त मेद श्लेष्म पुरीष पित्त एंड शुक्र। ठीक है, अगर हम कला में शारीर गुण देखें तो प्रसादन भी मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर टिका रहे उसके लिए हमको सांद्र गुण की आवश्यकता है, और मूवमेंट के लिए द्रव गुण की आवश्यकता है। तो अब कला जो है उसका काम क्या है कि स्ट्रक्चर को टिकाए रखे, नंबर टू कि वो सिलेक्टिव हो कि किसको अंदर जाना है और किसको अंदर नहीं जाना है, यानी एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए भी जो द्रव गुण होगा, यानी सोडियम कैल्शियम जो भी जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फूड से जो लिए जाएंगे उसके लिए द्रव गुण की आवश्यकता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि सांद्र वर्सेस द्रव हो गया, विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ ए फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, इट डिस्क्राइब्स द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड, गुण फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए लेयर, दैट इज मैंने पहले भी बताया कि वो श्लेष्मा का पार्ट होगा, लुब्रिकेशन करेगा, प्रसादन करेगा, जीवनीय होगा और अभिसंधि यानी कि भारी होगा। और जो द्रव गुण है दैट इज द गुण ऑफ प्राकृत पित्त, ठीक है ना, स्थिरता तो आएगी कफ के कारण, और जो द्रव गुण है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रकृति प्राकृत पित्त, और विकृत पित्त एंड कफ। और फिर हमने ये देखा कि पित्त चिकित्सा में, पित्त चिकित्सा इज इंडिकेटेड इन विश, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि मैंने ये पॉइंट लास्ट में ऐड किया, इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि जब हम विष की चिकित्सा करते हैं तो उसमें पित्त की चिकित्सा को इंडिकेटेड किया गया है। सेवन क्लास मास रक्त मेद श्लेष्म पुरीष पित्त एंड शुक्र, सेवन बैरियर्स एंड सेवन इंटरफेसेस, सात कलाएं, सात बाधाएं और सात ही अवस्थाएं, यह जो है कला है। जो पहली कला है दैट इज कॉल्ड मासधरा कला, तासाम प्रथमा मासधरा यस्य मासे सिरा स्नायु धमनी स्त्रोत सांप्रदानाः भवन्ति, सिरा स्नायु धमनी स्त्रोतस में प्रतान के रूप में, प्रतान के रूप में यानी कि जैसे कि उसके लिए उदाहरण उन्होंने नीचे दिया हुआ है, यथा विस्मृणालानि विवृन्ते समन्ततः भूमो पंकुदुस्थानानि तथा मासे सिरा दिया, जैसे कीचड़ में कमल खिलकर और उसकी जो शाखाएं हैं इधर उधर जाती हैं, उसी प्रकार से मास के अंदर जो होता है सिरा स्नायु धमनी स्त्रोतस के अंदर मास, जो मास के पार्ट है उसमें मास धरा कला जो है वो इसी तरीके से फैले रहती है, जिस तरह से कीचड़ में कैसा है फूल, जो कमल का फूल है उसकी शाखाएं। और प्रथम रस विशेषजा अपि मास धरा, इंदु कहता है कि जो मास धरा कला है ना दैट रिप्रेजेंट्स रस धातु। ठीक है, उसके बाद अगर हम उसका एप्लीकेशन देखें कि यदि यह मास धरा कला जो है वह शैथिल्य हो गई, क्लिनिकल एप्लीकेशन हम देखें तो यदि कफ का शैथिल्य हो रहा है तो प्रमेह हो जाएगा, यदि पित्त का शैथिल्य हो जाएगा तो पांडु हो जाएगा, और यदि शिथिलता व्याधि हो जाए जैसे शिरा शैथिल्य हो जाए, शिरा विकृत हो जाए जिसको हम धमनी शैथिल्य भी कह सकते हैं, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस आदि जो कंडीशंस उत्पन्न होती हैं
that represents mass dhara kala. Second is rakta dhara kala, जो कि मास के अंदर है, यानी कि हम जो हम सेकंड इंटरफेज में जा रहे हैं, सेकंड बैरियर में जा रहे हैं. तस्याम शोणितः विशेषतः च सिरासु यकृत प्लीहा च भवति. अब देखिए यहां पर हम कहां थे, शाखा में थे. अब यहां पर हम कहां आ गए, कला है लेकिन हम कहां आ गए, कोष्ठ में आ गए, यकृत और प्लीहा, ठीक है ना. मासस्य आभ्यंतरतः, यानी कि यदि आप मास के अंदर चलते हैं तब आपको दूसरी कला जो मिलती है, दैट इज कॉल्ड रक्तधरा कला. कैपिलरीज इन मसल टिश्यू एंड मायोग्लोबिन, इफ यू कंपेयर, इफ यू वांट टू कंपेयर इन मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न एनाटॉमी. तो द्वितीय रक्तधरा मासस्य आभ्यंतरतः, यानी कि मास के अंदर जब प्रवेश कर जाए तो वो रक्तधरा कला होती है. और वो हम कहां पर आ गए, पहले हम शाखा में थे, अब यकृत और प्लीहा यानी कि हम कोष्ठ में आ गए. अगर इफ यू कंपेयर एंडोथीलियम कॉन्स्ट्रिक्टर एम एंडो एंडोथिलीन प्रोस्टाग्लैंडिन वासोडायलेटर्स नाइट्रिक ऑक्साइड रोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलैक्सेशन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल एंड वासोडाइलेशन इन बीट प्लेटलेट एडेशन ल्यूकोसाइट एडेशन बैरियर विद सिलेक्टिव परमेबिलिटी रोल इन सेल डिवीजन मैचुरेशन डिफ्रेंशिएशन टिश्यू हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड अगर वो थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो लो ग्रोथ इन्फ्लेमेशन को भी दिखाता है. एंडोथीलियल डिसीज क्या होती है, अल्टरेशन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स एंड द वेस्कुलेचर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज पीवीडी स्ट्रोक हार्ट डिजीज डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रॉनिक किडनी फेल्यूअर ट्यूमर ग्रोथ मेटास्टेटिस वीनस थ्रोम्बोसिस एंड सीवियर वायरल इन्फेक्शन डिजीजेस. ये एक पेपर छपा था राजेंद्रन जी के द्वारा 2013 में, जिन्होंने कहा था कि भाई रक्तधरा कला से दीज आर द डिसीजेस पॉसिबल डिसीजेस देयर, दिस इज कॉल्ड एंडोथीलियम. तो हमारे शरीर का जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम है, तो हमने बता दिया कि रक्तधरा कला जो है वो यकृत और प्लीहा, और उसमें क्या है, इंटरनल लाइनिंग जो है वो एंडोथीलियम की है, उसमें कुफर सेल्स जो है जो कि लिवर में पाए जाते हैं, और स्प्लीन साइनोसाइट्स, यानी कि जो पहले कहा गया कि रक्त वहनाम स्त्रोसाम यक्रम प्लीहा यक्रम मूलम प्लीहा च. और फिर उसके बाद हमने ये कहा कि रक्तधरा कला जो है वो किसको, यकृत और प्लीहा को कवर करती है. तो इट इज 100% राइट जो कि सुश्रुत ने हजारों साल पहले कह दिया. तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट क्या है कि रक्त का क्या है कि जो रस का तेज भाग होता है वह रक्त का निर्माण करता है लिवर में भूताग्नि के द्वारा. तेजो रसानाम सर्वेशाम मनुजानाम यदुच्यते पित्तोष्मना सारागेन रक्तमुच्यते. यानी कि जो तेज डोमिनेंट धातु है और शोणितम, इसको प्राण भी कहा गया है, शोणितम प्राणा है अनुवर्तते प्राण जीवन प्राणवा स्त्रोतस महास्त्रोतस और मर्म, यह सब प्राण के अंतर्गत आ गया. प्राण जो है वो जीवन भी है, प्राणवा स्त्रोतस के अंतर्गत आता है, फिर प्राणवा स्त्रोतस आता है तो महास्त्रोतस जुड़कर आता है और मर्म के रूप में भी आता है. रक्त को प्राण कहा गया, ऐसा चरक ने सूत्र में 24 में कहा, रक्त दृष्टि हेतु का जब वर्णन किया तब भी बताया. और फिर उन्होंने बताया कि इसमें आपने रक्त पित्त हरि क्रिया जो है वो करनी है, यानी कि रक्त मोक्षण और विरेचन. और अब आप क्या करते हैं कि जो रक्त पाचक ड्रग्स स्वर्ण माक्षिक या ताप्यादि लोहो या शोध के लिए नित्यानंद रस या आरोग्य वर्धनी वटी का यूज करते हैं, तो यकृत और प्लीहा पर काम करने वाली जो ड्रग्स हैं दैट्स आल्सो बेनिफिशियल इन द पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज स्ट्रोक हार्ट डिसीज डायबिटीज इंसुलिन क्रॉनिक किडनी फेल्योर ट्यूमर ग्रोथ मेटास्टेटिस वीनस थ्रोम्बोसिस एंड सीवियर वायरल इन्फेक्शन डिजीज.
मांस रक्त मेद। तृतीय जो कला है दैट इज मेदोधरा कला। तृतीय मेदोधरा कला हमने कहा, अब हम लाइन से चल रहे हैं कला में भी। पहली जो मांस धरा कला थी वो एक्चुअली में कैसी थी, रस का भाग थी। दूसरी रक्त हो गई, तीसरी मेद हो गई। मेदो ही सर्वभूतानाम उदर उदरस्थम अणव अस्थिषु च महसु च मज्जा भवति स्थूल अस्थिषु विशेषेण मज्जा त्वय अभ्यंतर आशिता अथ अत्रेषु सर्वेषु सरक्तम मेद उच्यते शुद्ध मांसस्य यः स्नेह सवसा प्रकर सवसा परिकीर्तितः। यानी कि जो मेदोधरा कला है वो कहाँ है, एक तो उदर में है और दूसरा अणवस्थि। अणवस्थि यानी कि जो छोटी अस्थियां, बड़ी अस्थि में क्या है, मज्जा है। तृतीय मेदोधरा, मेदो ही सर्वभूतानाम उदरस्थ, मेद के फैट, जो फैटी लिवर जिसे जिसे आप कहते हो, तो जो डिसीज के रूप में होता है उदर और जो छोटी अस्थियां हैं उनमें। बड़ी अस्थियों में क्या है, मज्जा है और वह बोन के अंतर आश्रित है। अथ अत्रेषु सर्वेषु सरक्तमेद उच्यते, तो जो मज्जा वाला पार्ट है वो क्या कहा जाता है, सरक्तमेद। और जो शुद्ध मांस का स्नेह है उसको आप क्या कह रहे हो, फैट या वसा। अगर हम ये देखें तो सबक्यूटेनियस फैट, मेसेंट्रिक फैट, मांस स्रोत और वृक्क, उदरस्थ मेदोधरा कला, तो सबक्यूटेनियस मेसेंट्रिक फैट मांस स्रोत वृक्क स्नेहमेव परम विद्या तो दुर्बल अनलादीत। हाँ बेटा, ठीक है, ओके। अब मैं इसका कैसे हम वो करेंगे, तो वृक्क का पहले आप ये देखिए कि वृक्क का जो मेदो वहना में स्त्रोसाम वृक्को मूलम वपा वहनम च, तो जो मेसेंट्रिक फैट वृक्को मूलम वृक्क मूलम वपा वहनम च, यानी कि वृक्क जो है वो हो क्या है, जहां से मेद उत्पन्न होगा, मेदो वहना में स्त्रोसाम वृक्को मूलम वपा वहनम च, और फिर मेसेंट्रिक फैट और सबक्यूटेनियस फैट पर काम करता है। और मैंने कई बार देखा कि जिन लोगों ने, दो तीन पेशेंट मैंने देखे कि जिन लोगों ने बैरियाट्रिक सर्जरी कराई वो अंत में आकर किडनी फेल्यूर के कारण मर गए। क्यों हुए, क्योंकि वृक्क जो था वो मेद का स्त्रोत है, मेदोवानाम स्त्रोतसाम वृक्को मूलम वपावहनम च, और उसकी तीन कलर जो लेयर हमने देखी, एक तो मांस स्त्रोत से जो अग्नि चली, मेसेंट्रिक फैट एंड सबक्यूटेनियस फैट, और जो अणवास्थी है, तो अरुण जेटली जी आपने देखे होंगे कि वो है ना अकाल ही एकदम ही अच्छे भले थे, लेकिन उन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी कराई और फिर उनकी किडनी फेल हो गई। इसलिए मेद को कभी भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज जो है वृक्क पर उसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। अणुअस्थि जिसको हम सरक्त मेद कह रहे हैं, वर्टिब्री जो कि एब्जॉर्ब करती है, यानी कि जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उस डिस्क में जो मेद है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज अणुअस्थि। और दूसरा वातरक्त में आप देखिए कि जो पर्व भेद होता है, तो जो छोटी उंगलियां जो हैं वो सूज जाती हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि वहां पर हम मेद पाचक ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे शुंठी, गुड़ुची, कुटकी और यष्टि, दीज आर द मेद पाचक। यानी कि यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है या किसी व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप क्या कीजिए कि शुंठी, गुड़ुची, कुटकी, यष्टि चारों दीजिए, इसको मेद पाचक कहते हैं। आप चारों मिलाकर सम मात्रा में भी दे सकते हैं या इनको आप अवस्था के अनुसार भी दे सकते हैं। Both are working in, दोबारा अगर आपको इंटरवर्टिबल डिस्क बनानी है तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी। और वात रक्त या जिसको आप गाउट कहते हो, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसमें भी इसमें आप गॉक्सर और मिला सकते हैं अगर शोथ है तो शुंठी, गुड़ुची, कुटकी एंड यष्टि, दीज आर द मेद पाचक ड्रग्स। फोर्थ इज श्लेष्मधरा कला। चतुर्थी श्लेष्मधरा सर्वसंधिषु प्राणमृतां भवति स्नेहाभ्यक्ते यथा अक्षय चक्रम साधु प्रवर्तते
संध्या साधु वर्तन्ते संशिष्ट श्लेष्मणा तथा। संधि माने जॉइंट्स, तो उनके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड श्लेषक कफ। अब संधि जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज, न्यूरोमस्कुलर जॉइंट्स एंड कैपिलरी जॉइंट्स। यहां पर आप श्लेष्म धरा कला, जिसको हमने न्यूरोमस्क, इसलिए मैंने इसको इतना ज्यादा नहीं लिया क्योंकि इसको मैंने ना फिर न्यूरोलॉजी में लेना है पढ़ाने के लिए। पुरीष धरा कला, जिसकी हमने कही थी कि हम बात करेंगे, पंचमी पुरीष धरा नाम या अंतःकोष्ठे मलम अविभजते पक्वाशयस्था यत्र समन्तात कोष्ठे तथा तथा अंतराणि समाश्रिता तद उंडकम विभजते मलम मलधरा कला पंचमी पुरीषा पुरीष धरा नाम स हय अंतराणाम पक्वाशय आश्रिता कोष्ठंतक उंडुकस्थम मलम विभजति। देखिए अगर यहां पर क्या कहा गया है, उन्होंने दो चीजें कही हैं, एक बार इसको फिर से पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से। पंचमी पुरीष धरा नाम, पांचवी कला जो है वो कैसी है, पुरीष धरा या अंतःकोष्ठे मलम अविभजते पक्वाशयस्थ, यानी कि मल का विभाजन करती है पक्वाशय। यकृत समन्तात, कहां पर है, यकृत के पास। तथा अंतराणी समाश्रिता उंडुकस्थम विभजते उंडुक। अब देखिए इसको कैसे समझना है आपने, कि यहां पर जो है लिवर है, ठीक है। अब लिवर के ठीक नीचे यहां से जो है सीकम शुरू होता है, ठीक है ना, इसको उंडुक कहा गया है। और सीकम कहां से शुरू होता है, कि जहां पर इलियम खत्म होता है, तो इलियम यहां पर खत्म हुआ और यहां पर ये शुरू हुआ यकृत समन्तात। ये पहला कर्व है जिसको आपने उंडुक कहा, और उसके बाद फिर उसके बाद इस तरीके से शुरू होती है, यानी कि दिस इज असेंडिंग कॉलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कॉलोन एंड फिर उसके बाद जो है डिसेंडिंग कोलोन जो है वो आ जाती है, यानी कि आरोही अनुप्रस्थ और अवरोही। अब यहां पर जब इलियम के पास आते हैं तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि ये क्या हो गई यकृत समन्तात, यकृत के पास, और फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा यानी कि जो उंडुक वाला पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द लिवर, और फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन और अनुप्रस्थ वृहद आंत्र। तो जो अनुप्रस्थ वृहद आंत्र है दैट इज रिलेट टू द स्प्लीन, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर स्प्लीन आ जाएगा और यहां पर वृक्क आ जाएगा। उत्पत्ति स्थिति और लय को तीनों पर यह यकृत समन्तात। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि जब आपको रेक्टम या यहां पर उत्तरगुद होगी, यहां अधरगुद होगी और यहां मलाशय होगा, और इस मलाशय में जब जो है रेक्टम है जब यहां पर मल जमा हो जाएगा ये मल जब यहां जमा हो गया तो वायु जो है वो वापस गति करेगी। जब वापस गति करेगी तो वो सबसे पहले वृक्क को फिर प्लीहा को और फिर अधोगति, यानी कि वायु जब ऊर्ध्व गति करने लगी, यानी अपान वायु जब दुष्ट होगी तो अपान वायु सबसे पहले ब्लैडर को इफेक्ट करेगी और वृक्क को इफेक्ट करेगी,
फिर स्प्लीन को करेगी और फिर लिवर को करेगी। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि पंचमी पुरुष धरा नाम या अंतः कोष्ठे मलम अविभजिते पक्वाशयस्था यकृत समन्तात् कोष्ठे च तथा अंतराणि समाश्रिता, ठीक है। और फिर रस विभाग में किट और पुरुष को उन्होंने अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इस बात को आपने और ध्यान में रखना है। अब ये भाग क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड पक्वाशय, ठीक है। अब जो पक्वाशय में आप देखोगे तो एक पेपर और प्रेजेंट किया गया कि पक्वाशय में क्या था कि हमने कहा था कि मल जो है उसका पिंडीकरण होता है, और वो मल का पिंडीकरण कैसे होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो कैल्शियम है, कैल्शियम सोडियम चैनल होता है इस जो पक्वाशय और जो इसका पार्ट है यहां पर, और यहां से जो कैल्शियम है यह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, जिसके कारण क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और इसमें उपस्थित तो मल जो है वह परिपंडित होता है और क्या हो जाता है, सूख जाता है। अब जो कैल्शियम जिसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, इस कैल्शियम को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, यह क्या है, अस्थि का निर्माण करता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, पक्वाशय कटी शक्ति स्रोत अस्थि पक्वाशय, पक्वाशय में कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाता है, इसीलिए इसको क्या माना गया कि पक्वाशय को अस्थि धारा कला भी माना गया है। और इसीलिए अस्थि जो होती है दैट रिलेट्स टू पुरीष धरा कला। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो कि जब इसको आपने कंटेन कर लिया तो उसको कहा गया कि भाई ये पक्वाशय जो है, पक्वाशय कटी शक्ति शोध अस्थि स्थानम वातस्य तत्रपि पक्वाधानम विशेषता। अब उसके बाद क्या होता है, फिर उन्होंने कहा ऐसे कैसे, उन्होंने बोले जी देखो ये पुरीष धरा कला जो है ना, दैट इज अब इसमें दुर्गंध आती है, यानी कि गंध आती है। गंध किसका पार्ट है, तो वह पृथ्वी का पार्ट है। और हमने देखा जब नावेगान धारणी अध्याय हमने पढ़ा था तब तो वहां पर हमने देखा कि जब जब पुरुष को रोक लिया जाता है तो प्रतिष्याय हो जाता है। क्यों हो जाता है पुरुष को रोकने से प्रतिष्याय, क्यों, क्योंकि गंध जो है वो नासा, प्रतिष्याय नासा, नासा किसका पार्ट है, गंध का पार्ट है, और पृथ्वी किसका पार्ट है, गंध का पार्ट है। पृथ्वी से क्या आती है, गंध आती है, जो जितने भी पृथ्वी वाले पार्ट हैं वहां पर क्या होने लग जाएगा, तो प्रतिष्याय हो गया, आपको शिराशूल हो गया, शंख प्रदेश, यह अस्थि का स्थान होता है, इसलिए अस्थि यानी पृथ्वी का पार्ट, तो इसलिए शिराशूल भी हो रहा है आपको, प्रतिष्याय भी हो रहा है आपको, दुर्गंध भी आ रही है आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम जो है वो पृथ्वी का पार्ट है, इसलिए इसको अस्थि धरा कला भी कहा जाता है। इंक्लूसिव ऑफ पुरुष एंड मूत्र फ्रॉम हार्ट टू ब्लैडर मेटाबॉलिक वेस्ट इन फीसेस लाइक बिलरुबिन मलवृत्या प्रवर्तन्ते विशेष उदनानि तु मलवातादया पुरुषादयः च। इतनी देर से आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, या आपको मेरी आवाज आ रही है? हां जी समझ आ रहा है। हां जी सर, हां जी सर। मुझे तो इतना सन्नाटा लग के क्योंकि आज इतनी 35 स्लाइड निकल गई, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना, रियली? हाँ जी सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं बोल सकती कि समझ में आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा? नहीं नहीं समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना इजी नहीं लग रहा है जैसे। इट्स नॉट इजी, परंतु इसलिए मैं ओके, अगर आप चाहें तो इसको हम आज एक यहाँ तक रखते हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी सर, इसको स्लाइड करके हम इसको आप इतना देख लीजिए, मैं ये स्लाइड भेजता हूँ आपको, और फिर हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि अब ये और थोड़ा सा और टफ होता चला जाएगा।
ठीक है ना, इतना आपको क्लियर है? अभी तक एक घंटा हो गया, आज मैंने एक घंटा बिना किसी से पूछे गुजारा, फिर मुझे एकदम लगा यार सन्नाटा है, लगता है कोई सुन नहीं रहा। नहीं नहीं सर सुन रहे हैं, समझ आ रहा है, सब सुन रहे हैं। ठीक है ओके, तो इतना आज रखते हैं हम इसको, फिर कल हम पुरुष धरा कला पर थोड़ा सा आधा घंटा फिर चलेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य भाग तो पुरुष धरा कला था, तो इसको हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे, फिर उसके बाद पित्तधरा कला को थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे, क्योंकि वो दोनों हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेने हैं, क्योंकि वो जो है वो हमारे काम के आएंगे जब हम उदावर्त पढ़ेंगे। ठीक है जी,